आपकी क्या है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज की अरेंज मैरिज, लव मैरिज हुई है मेरी। क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है इसलिए मैं लव मैरिज को सपोर्ट करूंगी, मेरे लव मैरिज पसंद ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल और स्वागत करती हूं आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल में। आज मैं आपके बीच एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे इंडियन पेरेंट्स से कि वो लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे या अरेंज मैरिज को। इसके साथ ही हम अपने यंग जनरेशन से भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। आपका नाम? माया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लव मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं या अरेंज मैरिज को? बेटा दोनों ही अच्छे हैं, अगर अपनी मतलब कास्ट का हो और अच्छा हिसाब किताब हो तो लव मैरिज भी ठीक है, और नहीं तो अरेंज भी ठीक है। अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है। लव मैरिज के लिए आप गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं पहले से ही सब कुछ ना रहता, फिर बाद में फैमिली का सपोर्ट मिले ना मिले, कास्ट का रिलेशंस का फैमिली में लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है। फैमिली का डिस्टर्बेंस रहता है तो लड़का डिस्टर्ब रहता है, लड़का डिस्टर्ब रहती है तो लड़की डिस्टर्बेंस रहती है। लव प्लस अरेंज हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे लव मैरिज पसंद ही नहीं है एकदम, उसके खिलाफ। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से तो अरेंज मैरिज इज़ बेस्ट, बिकॉज मैम क्योंकि अरेंज मैरिज में देखो, क्योंकि अरेंज मैरिज करेंगे हम लोग तो सारे घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबको पता होता है। अगर लव मैरिज करेंगे तो फैमिली में फिर तो वही हाइड एंड सी से काम हो रहा है छुप छुप के, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी अरेंज मैरिज इज़ बेस्ट फॉर ऑल। क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है इसलिए मैं लव मैरिज को सपोर्ट करूँगी। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि पहले लव मैरिज में देख मतलब पता चल जाता है कि लोगों को कि कौन कैसा है, बाद में जो शादी के बाद एटलीस्ट हम उसको सेट कर सकते हैं कि किस किस अपने तरीके से। आई वुड सपोर्ट फॉर अरेंज मैरिज सिंस मैं अभी 6 years हो गया, आई एम हैप्पीली मैरिड एंड आई हैव चूज अ गाय बेस्ड ऑन माई मॉम्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो आई थिंक मॉम एंड डैड को ज़्यादा पता चल जाता है कि कैसे लोग क्या है क्या नहीं है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को अपना डिसीजन रखना चाहिए। तो लव मैरिज के अगेंस्ट है? आई वुडन्ट से अगेंस्ट, बट आई वुडन्ट से दैट कि वी आर नॉट मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस, बिकॉज तभी अपन मैच्योरिटी में आ जाते हैं एंड यू कैन टेक इंस्टेंट डिसीजन कि लाइफ टाइम ये लाइफ पार्टनर प्रॉपर रहेगा कि नहीं, तो मैच्योर पर्सन का डिसीजन इंपॉर्टेंट है। मैं लव को सपोर्ट करूँगी। अरेंज को क्यों नहीं? अरेंज मैंने कर चुकी हूँ, मेरे पास 3.5 साल का बेटा है, मेरे हस्बैंड का ऑलरेडी कहीं अफेयर था, उसके चक्कर में हमारा डिवोर्स हो रहा है ऑलरेडी। जब लाइफ में ऐसा होता है ना, हम जिसको जानते हैं उसके साथ मैरिज करें तो ऑलरेडी हम 3-4 साल उनको पहले से जानते हैं, अननोन का ये होता है, हम सडनली हमारी लाइफ में आता है, हमें पास्ट पता नहीं होता, उनका फ्यूचर भी नहीं पता होता क्या है हम लोगों के साथ में। हम चीज़ों का एक्सेप्ट करना टाइम लगता है, एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करते हैं जब तक पता लगता है बेबी हो गया, धीरे धीरे उनका पास्ट पता लगता है, पता चलता है कि लाइफ में ऑलरेडी उनके कोई और है। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं हर चीज़ आती है, वो सडनली डिवोर्स दे देते हैं या फिर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, फ्यूचर खराब होता है बच्चों का। तो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है अरेंज मैरिज, लव मैरिज होनी चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को लाइफ पार्टनर को पहले से ही जानते हैं, हमें उनका पास्ट पता होता है कि लाइफ में कोई है या नहीं है, हम आगे की प्लानिंग सोच समझ के करते हैं, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं जानने के लिए समझने के लिए, ऑलरेडी हम पहले दे भी चुके होते हैं। अरे मैं ये नहीं कह रही भाग के शादी करो, मैं बस इतना कह रही हूँ लव मैरिज करो, अपनी फैमिली की मर्जी से अपनी फैमिली को कन्विंस करो, उनको समझाओ, आगे तुमको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तुम्हारी बीबी को या किसी और को भी ना करनी पड़े। देखो अगर मैरिज तो होनी चाहिए, चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, लेकिन अगर परिवार संयुक्त है तो परिवार की मर्जी से बच्चे को बताना चाहिए अपने गार्जियन पेरेंट्स को कि वो लड़का है ऐसे है, अगर उसकी सहमति है परिवार की तो उसमें उसके साथ परिवार के साथ जाना चाहिए। मेरा यही है कि माँ बाप जो पालते हैं बच्चे को तो बच्चे को भी फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप को ही देनी चाहिए कि इतना जीवन का सबसे बड़ा फैसला माँ बाप को ही करना चाहिए। मैम आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई है। अगर आपको मौका मिलता लव मैरिज करने का तो मैं नहीं करती। नहीं करते? नो मैम, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि प्यार भी किया फिर शादी भी नहीं की। हाँ, ये ऐसा क्यों? ऐसा है मतलब मैं नहीं करती मैं। और अगर फैमिली वाले मान जाते तो? फैमिली वाले मान जाते तब भी नहीं करती मैं। अरेंज में कन्वर्ट कर लेते? अरेंज में कन्वर्ट डेफिनेटली कर लेते। फैमिली मान जाती? 100% मानती। अगर आपके बच्चे आपसे बोले कि लव मैरिज करनी है तो आप करने देंगे बच्चे को? हाँ, बच्चे को मैं फिर पूरा बोलूँगी बच्चे को करने के लिए। उनको क्यों नहीं मना करेंगे? ऐसे ही लाइफ में सब चीज़ ऐसी थोड़ी होती है, मतलब कि मेरा बच्चे के लिए फ्रीडम है, मैं अपने हिसाब से मेरा था कि मैं लव मैरिज नहीं करूँगी, मैं अरेंज ही शादी करूँगी।
जो बच्चे हैं वो आपसे बोलते हैं कि लव मैरिज करनी है तो आप अलाउ करेंगे? हाँ, सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसी नहीं कि लव मैरिज करना है तो किसी से उठा के कर लीजिए, थोड़ा सोचिए, अपनी लाइफ हो सकती है फिक्र तो भी कीजिए, लव करना तो आसान है, आगे निभाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, और जैसे अगर जो आपके बच्चों का जो पार्टनर होगा वो आपके सेम कास्ट का नहीं हुआ या कुछ, कोई मैटर नहीं करता वो चीज़, कास्ट आपके लिए मैटर नहीं करता? नहीं नहीं, मतलब आप अलाउ करेंगे? चलिए, करवा देंगे। और अगर वो अच्छा हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, और अगर वो कास्ट का ना हो तो फिर तो मैडम 1% सोचना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, आजकल के टाइम को देखते हुए वो भी ठीक है। और अगर कास्ट का नहीं है तो आप अपने बच्चों को कैसे मना करेंगे? नहीं, बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे मानेंगे ही नहीं, फिर भी आपको अगर कन्वेंस करना पड़े तो समझाना हमारा काम है, समझाएंगे, अगर नहीं मानते तो फिर पेरेंट्स को तो झुकना ही पड़ता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि जिसमें आपको लव मैरिज करनी पड़ती तो आप कैसे कन्विंस करते पेरेंट्स को? कन्विंस करने के लिए शी हैड आस्क मी कि आपको कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं उनसे करवा दूंगी, बट तभी मेरा कुछ ऐसा था ही नहीं, तो आई नेवर गॉट दैट टाइम कि मुझे बताना पड़े। भाई यही बताते हुए कि एजुकेशन अच्छी है, अच्छे परिवार से है, और हम करेंगे तो हम विल बी हैप्पी, विल बी टुगेदर, वी कैन बोथ वर्क टुगेदर फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। और अगर कास्ट का इशू होता तो? कास्ट का आई डोंट थिंक सो, अब कोई इतना है आज के टाइम में, ये सब चीज़ों को कोई परवाह नहीं करता। अभी के बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी चॉइस है, वो कर सकते हैं उनको जो करना है, अगर उनका है ही नहीं कहाँ अफेयर तो फिर अरेंज मैरिज करा देंगे, यही बात है। हाँ, अगर बच्चे पहले तो हम बच्चों को सहमत रखेंगे अपने से, अगर नहीं करते तो फिर वो बच्चों की मर्जी के साथ सहमत होना पड़ेगा। देखो ऐसा है, बच्चा हमारा है, हमें भी उसके अच्छे भले का पता है, अगर बच्चा अगर सही चूज़ कर रहा है तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, उसके इमोशंस को हिट नहीं करना चाहिए। नहीं करने दोगे? नहीं नहीं, मैं करने ही नहीं। अगर लड़का अच्छा हुआ तो? तब भी नहीं, जहाँ हमारा मन होगा वहीं होगा। ऐसा क्यों? मुझे एकदम पसंद नहीं, मान लो माँ बाप शादी करेंगे, अच्छा हो चाहे बुरा अपने जान में अच्छा ही करेंगे ना, लेकिन लव मैरिज में कहाँ कौन क्या करेगा कुछ पता चलेगा, कल शादी करके छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे बताओ। अरेंज मैरिज है तो हम अपने सहमत से करेंगे, अच्छा चाहे बुरा जो सामने वाले से कह सकते हैं ऐसा क्यों किया, अभी लव मैरिज में क्या किसी को बोल सकते बताओ। मैम कैसे आपने अपने घर पे कन्विंस किया? लड़का अच्छा है और सबको पसंद था, और कास्ट कोई मान्य नहीं करता ना, और किस्मत से कास्ट का निकल गया तो मान गए। सर आपने? थोड़ी दिक्कत हुई पर मम्मी मान गई कुछ दिन। किस टाइप की दिक्कतें आई? ये मत मांगो क्या करना है, दूसरी देखेंगे, बाकी कुछ नहीं, फिर सॉल्व हो गया मैटर। तो आपने कैसे कन्विंस किया? मनाना पड़ा मम्मी को। कैसे मनाया? नहीं बता के कि अच्छी है, सब कुछ काम होगा, सब बराबर रहेगा, घर अच्छा रहेगा, सारी मतलब पूरी फैमिली जो थी वो सब मान गई। हाँ नहीं, एक्चुअली कैसे अरेंज मैरिज में हमको पता रहता है कि फैमिली बैकग्राउंड का, लव मैरिज में हमको पता नहीं रहता है, सिर्फ लड़के को हम पहचानते हैं, बाकी लोगों को नहीं पहचानते, वहाँ एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ हो जाती है। और अरेंज में कैसा फैमिली का कनेक्टेड रहता है, सब पता रहता है, थोड़ा रिस्क कम रहता है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों देखा ना आपने, कुछ लोगों ने लव मैरिज को सपोर्ट किया तो कुछ ने अरेंज को, कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आए कि लव विद अरेंज होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आपके दिलों को कौन सी स्टोरी छुई है हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं सोनल आती रहूँगी आपके बीच। धन्यवाद।